हेलो वेलकम यू ऑल आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा बात करेंगे माइक्रो कैप स्टॉक की देखिए हम अक्सर आपके लिए छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप और लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स आपके सामने लेके आते रहते हैं डिस्कस करते हैं सीखने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं अपॉर्चुनिटीज को देखने की कोशिश करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में फोकस करते हैं और हमेशा मैं आपको कहता हूं टिप्स या से दूर रहें लर्निंग के ऊपर फोकस करें जिसकी वजह से आप स्कैम्स से भी बचते रहेंगे और मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट और प्राइस सेक्शन की सीरीज आपकी मदद करेगी सीखने में लर्निंग में लर्निंग के लिए अगर कोई चीज जरूरी है वह है प्रैक्टिस टाइम देना पड़ेगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजें आपको समझ में आती रहेंगी बेस आप यहां से देख सकते हो और प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ेगा अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी जीएम की आरती मुफ्ती के शेयर की अब हम चर्चा करेंगे एक और स्टॉक जिसका नाम है सयाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड सयाजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी मेजरली स्टार्च स्टार्च मॉडिफाइड और उनके डेरिवेटिव के ऊपर काम करता है अब आप कहोगे यार क्या स्टार्स देखिए मेज स्टार्स एंड इट्स डाउनस्ट्रीम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इसके ऊपर इसका काम है साथ के साथ टेक्सटाइल पेपर पैकेजिंग फार्मा फूड कॉस्मेटिक सोप डिटर्जेंट सीड पेंट पोल्ट्री एनिमल फीड ये भी इसके बिजनेस के अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जरा देखिए ये सब इसका काम है छोटा सा स्टॉक अगर मैं कहूं 136 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेकिन पिछले कुछ टाइम में रेवेन्यू का जबरदस्त ग्रोथ आप देख पा रहे हो और प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी कंसिस्टेंट नहीं है उम्मीद होगी आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट हो और सयाजी ग्रुप के शेयर को देख सकते हो तो जैसे मैंने आपको कहा बिल्कुल देखिए इंडस्ट्री के पैकेजिंग सॉल्यूशन के ऊपर भी काम करता है रियल एस्टेट का भी काम है साथ के साथ एनिमल न्यूट्रिशन के ऊपर भी काम है और इंग्रेडिएंट्स ये देखे क्लियरली और साथ के साथ फूड बेवरेज में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में और फार्मा इंडस्ट्री में भी काम है तो कहीं ना कहीं पेपर और जिप सब का भी काम टेक्सटाइल का भी काम आप कहोगे यार ये सयाजी इंडस्ट्री छोटा स्टॉक जरूर है स्टॉक को, को समझना है जड़पे आसमानों पे स्टॉक को समझना है बहुत रिस्की जरा देखिये कहा से गिरा है और अभी कहा अटका हुआ ये स्टॉक है स्टॉक रडार माने का कारण आपको पता है वीकली चार्ट अगर हमको देखने को मिलता है कुछ ना कुछ चीजें चल रही है तो वो स्टॉक रडार में जरूर आता है सयाजी इंडस्ट्रीज में बार बार रिजेक्शन चलता था इस जोन पे लेकिन इस बार क्या ये रिजेक्शन खत्म हो गया है जरा देखेंगे पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू 2022 में बनाया था पॉइंट नंबर वन और 2023 में बनाया पॉइंट नंबर टू उसके बाद कंसोलिडेशन ही चल रही है लेकिन कंसोलिडेशन के साथ साथ ये कुछ बड़े वॉल्यूम्स अपने आप में इशारा कर रहे हैं लेकिन बड़े टाइम फ्रेम है तो भाई पेशेंस बहुत जरूरी है देखिए पेशेंस बहुत जरूरी है साथ के साथ अगर टू पॉइंट नंबर टू उसके साथ मोमेंटम यहाँ पे वापस होता है लेकिन स्टॉक ज्यादा दूर उस मोमेंटम जोन से भागा नहीं है दो हजार तेईस एक साल हो चुका है अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है हल्का सा है कोई खास मोमेंट नहीं लेकिन अगले हफ्ते अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी तो मजा आएगा स्टॉक में में ये क्योंकि वापस यहाँ पे फिर से मोमेंटम जोन देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट में वॉल्यूम अलग है अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा वहां से कुछ समझने सीखने की कोशिश करेंगे ये देखिए डेली पे साइकिल स्टार्टेड है और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बार बार कहता हूँ कैप स्टॉक में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है और वो रिस्क पता है क्या होता है वो रिस्क होता है अपर सर्किट लगने का या लोअर सर्किट लगने का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है माइक्रो कैप कैटेगरी के, के स्टॉक का इसका मतलब समझिए इसको साधारण भाषा में समझिए क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है मान लो आप सोच रहे हो प्लान कर रहे हो एंट्री करने का आपने सोचा भाई मैं 215 220 के आसपास एंट्री कर लूंगा और आप नहीं कर पाए है कि नहीं कर पाए लेकिन उसके बाद क्या लगते हैं इसमें अपर सर्किट अपर सर्किट ऐसे लगते हैं कि आपको एंट्री का मौका ही नहीं मिलता ये रिस्क है ऊपर जाते समय लेकिन इससे बड़ा रिस्क आपको देखने को मिलता है नीचे आते समय मान लो आपने सोचा यार ये स्टॉक जाएगा ऑलमोस्ट सेवन हंड्रेड के आसपास है ना ये स्टॉक जाएगा यहाँ पे लेकिन आप एग्जिट नहीं कर पाए एग्जिट नहीं कर पाए ये गया उस दिन आपने कहा नहीं कल एग्जिट करेंगे एग्जिट नहीं कर पाए लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे से यहाँ पे जब लगने लग जाएंगे लोअर सर्किट तो फिर आप एग्जुट भी नहीं कर पाओगे बहुत बड़ा रिस्क होता है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में खास बहुत में बहुत बड़ा इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ऐसे स्टॉक्स जो कि मार्क जिनका मार्केट का प्राइशन पांच सौ करोड़ से नीचे है वहां पे आपको एक और लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाना चाहिए वो क्या है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे चीजें फंस सकती हैं तो यहाँ पे आप जो भी कैपिटल लगाते हैं वो अपने आप में एक रिस्क वाली कैपिटल होती है उसमें आप ये मान के चलिए कि अगर आप सौ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो तो सौ के सौ रिस्क पे हैं ये मान के चलिए ठान के चलिए क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कर्म भूमि है रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के लिए एक और लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हमने आपको बताया अब आपको अगर और कौन कौन से लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है और कौन कौन से लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की जब भी बात की हैं एक तो ऑन टॉप ऑफ योर पोर्टफोलियो जिसको हम कहते हैं कि कि रिस्क को मैनेज करना मान के चलते ले के चलते लेके हैं दस लाख ,00 ,00 का, है, ,00 ,00 का एक कैपिटल साइज एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं अब आपने कहा यार मैं हर पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में हर स्टॉक में जहां पे भी मैं एंट्री ले रहा हूँ बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकता तो टुकड़े कर दीजिए अपने उस पर्टिकुलर दस लाख के जो है उसके पचास टुकड़े आपने कर दिया अब आपका हर टुकड़ा बीस हजार से ऊपर नहीं जा रहा है अब आपने सबसे पहले तो यह देख लिया कि अगर एक टुकड़ा हीरो से जीरो हो जाए आसमान से नीचे गिर जाए बिल्कुल ध्वस्त हो जाए कोई दिक्कत नहीं आपका वो टुकड़ा जीरो हो गया एक टुकड़ा दो टुकड़ा कितने भी जीरो हो गए लेकिन आपकी पूरी कैपिटल को नुकसान नहीं होगा क्योंकि मार्केट में ऐसा होता रहता है कभी कोई स्टॉक बिल्कुल आसमान से जमीन पे आ गिरता है लेकिन आपकी कैपिटल को वो एक बहुत ही छोटा यानी कि एक बट्टा पचास का ही नुकसान कर पाएगा क्यों क्योंकि आपने पहले ही एक बड़े लेवल का रिस्क को मैनेज किया नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट अब हर टुकड़ा आपका जो है उसमें अंदर आप रिस्क मैनेज कर रहे हो मान लो आपने दो बीस हजार एक टुकड़े के ऊपर इन्वेस्ट किया आपने वहां पे देखा था यार मेरा इस टुकड़े के ऊपर मैक्स रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो दो की है है कि नहीं है अब दो हजार की आपने उस टुकड़े पे फिर से आपने उस टुकड़े के अंदर एक सेकंड लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट लगाया अब आपको क्या एक और लेवल रिस्क आपके किया गया है इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू इन स्टॉक मार्केट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बार बार इसके ऊपर क्यों करते मार्केट तो कभी आसमान पे है तो कभी जमीन पे है आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है उतार चढ़ाव आते रहेंगे मार्केट अगर आपका प्लान इंटैक्ट है तो बने रहिए अगर प्लान फेल हो गया तो निकल जाइए टारगेट हिट हो गया तो निकल जाइए तो मार्केट में बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है आप मार्केट कहाँ जा रही है मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है अगर आपके प्लान के हिसाब से चल रही है तो बढ़िया है आपने जो सोचा है उसके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है तो चल रहा है आपका जो प्लान है वो फेल हो गया तो आपको निकल जाना है लड़ाई नहीं लड़नी है मार्केट के साथ लड़ाई लड़ना जो है आप लड़ नहीं सकते तो इसलिए सीधे सीधे हथियार डाल देने हैं और वहां पे अपने लॉस को एक्सेप्ट करना है सबसे बड़ी समझदारी किसमें लॉस को एक्सेप्ट करने में है और फाइट नहीं करना है वहां पे मार्केट के अगेंस्ट क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा समंदर है यहाँ पे फाइट करेंगे तो डूब जाएंगे इसलिए जो प्लान बना है उसको प्लान को पहले ही बना लेना है एंट्री से पहले अगर चीजें सही चल रही है तो बढ़िया है नहीं चल रही है तो निकल लेना है सीधे सीधे सिचुएशन वाइंड अप करता हूँ वीडियो का उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए हमने माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक के बारे में बात करी थी पुरानी वीडियोज़ में हमने क्रेडो और आरती ड्रग्स और जीएम फाइनेंशियल के बारे में भी रिसेंटली बात करिए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो